हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग लिकराइस यानी कि मुलेठी पाउडर से फेस मास्क बनाएंगे। सो बेसिकली ये फेस मास्क आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग बनाएगा। ये आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगा। साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को इवन बनाएगा। यह आपकी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा, प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस मैजिकल फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच लिकराइस यानी कि मुलेठी पाउडर लेंगे। मुलेठी पाउडर हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाता है और साथ ही हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जल्द से ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में वाइटामिन सी होता है, इसलिए हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ ही हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे एनलार्ज बोन पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल भी बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये 4-5 चम्मच पोटैटो जूस यानी कि आलू का रस ऐड करेंगे। पोटैटो जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है। साथ ही हमारे डार्क पैचेस, एज स्पॉट्स और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा फेस मास्क बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस मास्क के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर करें और इसके रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस, एज स्पॉट्स और यहाँ तक कि डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा ब्राइटन अप दिखाई देने लगेगा। साथ ही आपको आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी फील होने लगेगी। प्लस आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। तो आप भी 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव फेस मास्क को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।